धोनी के खास लोगों को चुनकर बाहर कर रहे हैं गौतम गंभीर। पहली टीम घोषित करते ही विवादों में फंसे। बतौर हेड कोच पहली बार भारतीय स्क्वाड चुनने के साथ ही गौतम गंभीर विवादों में फंस चुके हैं। 18 जुलाई की रात श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय T20 और वनडे टीम की घोषणा की गई। रोहित शर्मा के संन्यास लेने के बाद हार्दिक पांड्या की जगह सूर्य कुमार यादव T20 टीमों के नए कप्तान चुने गए हैं। इसके अलावा ऋतुराज गायकवाड़ और रविंद्र जाडेजा जैसे दिग्गजों को बाहर करने के बाद नया विवाद खड़ा हो गया है। इंटरनेट पर फैंस गौतम गंभीर पर मनमानी करने का आरोप भी लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो ये तक कहने से भी नहीं चुके हैं कि गंभीर जानबूझकर उन लोगों की पत्ता काट रहे हैं जिनके पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से अच्छा रिश्ता है। लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि धोनी से जुड़े वो कौन कौन खिलाड़ी है जिन्हें टीम में नहीं चुना गया। सबसे पहला नाम आता है ऋतुराज गायकवाड़ की। इस खिलाड़ी को महेंद्र सिंह धोनी का बेहद करीबी माना जाता है। IPL में धोनी ने गायकवाड़ को अपनी कप्तानी से ग्रूम किया और अब गायकवाड़ चेन्नई सुपर किंग्स के नए कप्तान है। वर्ल्ड कप के ठीक बाद जिम्बाब्वे दौरे पर महाराष्ट्र के इस ओपनर ने 7 नाबाद 77 और 49 रनों की पारी खेली। इसी तरह जिम्बाब्वे दौरे पर T20 में 46 गेंदों में शतक बनाने वाले अभिषेक शर्मा टीम में जगह नहीं बना पाए क्योंकि तीसरे नंबर पर उनके लिए कोई जगह नहीं है जहां कप्तान खुद बल्लेबाजी करेंगे। इस लिस्ट में दूसरा नाम है रविंद्र जाडेजा का। धोनी और जाडेजा की जुगलबंदी भी किसी से छिपा नहीं है। दोनों IPL में चेन्नई सुपर किंग्स के दो सबसे मजबूत आधार स्तंभ है। T20 वर्ल्ड कप के बाद संन्यास लेने वाले जाडेजा वनडे टीम से भी बाहर हो चुके हैं। सूत्रों की माने तो जाडेजा नए हेड कोच गौतम गंभीर और चीफ सिलेक्टर अजित अगरकर के चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के प्लान का भी हिस्सा नहीं है। ऐसे में अब उनके पास सिर्फ टेस्ट क्रिकेट ही बचा है। तीसरा नाम है हार्दिक पांड्या की। मौजूदा टीम इंडिया में महेंद्र सिंह धोनी के सबसे खास लोगों में पांड्या का नाम भी शामिल है। पांड्या और धोनी मैदान के भीतर और बाहर दोनों ही जगहों पर खास बॉन्ड शेयर करते हैं। इस बीच गौतम गंभीर का पद संभालते ही पांड्या की कप्तानी छीनकर सूर्या को थमा देना भी इस विवाद को हवा देती है। कप्तानी गंवाने वाले पांड्या को T20 टीम में जगह मिली है लेकिन निजी कारणों से उन्होंने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला में नहीं खेलने का भी फैसला किया है। दूसरे और रियान पराग को T20 और वनडे दोनों ही टीम में जगह मिली है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या गौतम गंभीर सचमुच अपनी मनमानी कर रहे हैं और धोनी के जो लोग खास है उनको टीम से चुन चुन कर बाहर कर रहे हैं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।